नमस्कार दोस्तों, बुल्सकाई में आपका स्वागत है। मुस्लिम समुदाय में रमजान का विशेष महत्व है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का नौवां महीना होता है। इस साल रमजान का पवित्र महीना 24 मार्च से शुरू हुआ था। रमजान के दौरान रोजाना रोजा रखने के साथ साथ अंत में ईद का जश्न मनाया जाता है, लेकिन ईद में नमाज से पहले जकात और फितरा अदा करना जरूरी माना जाता है। जकात और फितरा को लेकर लोगों के मन में विभिन्न तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसे करना फज्र क्यों माना जाता है। जकात और फितरा में कितना दान करना चाहिए और फिर किस तरह का करना चाहिए। फितरा क्या है? जकात की तरह कहीं फितरा भी ईद की नमाज को पढ़ने से पहले दिया जाता है? जहाँ जकात में अपनी नकदी सोने के गहने दे सकते हैं, तो वहीं फितरा 2.25 किलो गेहूं या फिर उसके बराबर रकम दी जाती है। आप चाहे तो फितरा इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। इसके पीछे सोच ये है कि ईद के दिन कोई खाली हाथ ना रहे, हर किसी के घर में ईद की खुशियां ही खुशियां हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।